सीएसआर नेट क्रैक करने का फॉर्मूला है कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझना। बीइंग इन ऑल इंडिया रैंक होल्डर, मैं वीरेन सिंह बनाऊंगा आपके सीएसआर नेट प्रिपरेशन को आसान। डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड यूज द कोड वीरेन अपनी प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ पाने के लिए। लिपिड मेटाबॉलिज्म से, ठीक है, सो नाउ देखने की कोशिश करिएगा कि इट एक्ट एज अ मेटाबॉलिक फ्यूल, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरल रोल होता है, फंक्शन प्रोटेक्टिव फंक्शन भी करता है। इसके पास दो फॉर्म होते हैं, पोलर नॉन पोलर। जो लोग पहले पढ़े हुए उनको पता है कि इसको याद कैसे करते हैं, इसको याद करते हैं LMPS पोला। क्या करते हैं? LMPS पोला, LMPS पोला याद कर लीजिए, LMPS पोला, ठीक है, दैट इज व्हाट। ये आप अगर याद रहेगा LMPS पोला तो आप इसको याद कर सकते हैं, लॉरिक मेरिस्टिक पामिटिक स्टेरिक पामिटोलिक ओलिक लिनोलिरिक लिनोलिक एरेक्डोनिक। और जो LMPS है वो नॉन एसेंशियल होते हैं पामिटोलिक, क्यों? क्योंकि इनके पास डबल बॉन्ड नहीं होता, अनसेचुरेटेड है। लेकिन अनसेचुरेटेड है जैसे कि ओलिक, जैसे लिनोलिनिक, जैसे कि ये सारे, और खासकर ये तीन सबसे बड़े वाले LLA, ठीक है, LLA इज द एसेंशियल फैटी एसिड, एसेंशियल होते हैं। इनमें आपके अनसेचुरेशन पाया जाता है, पामिटोलिक से पाया जाता है, पोल्ला में पाया जाता है। पामिटोलिक में पहला होता है 9 पे, फिर पामिटोलिक 16 होता है एक डबल बॉन्ड 9 पे, ओलिक होता है 18 का एक डबल बॉन्ड होता है 9 पे, उसके बाद लिनोलिनिक पे दो डबल बॉन्ड होते हैं 9 के बाद, तीन होता है 12 पे 18 2, उसी के बाद होता है लिनोलिक वो भी 18 होता है, लेकिन इसमें तीन जगह होते हैं 9 12 15, तीन तीन के गैप में होते हैं। किसके गैप में होते हैं? 3 के गैप में होगा, जितना भी होगा 3 गैप में होगा, 3 गैप में यहाँ पे भी होगा। देखेंगे तो 3-3 के गैप में चलता रहेगा, सो दैट इज व्हाट। एक भी याद कर लेंगे, बाकी तीन में 9 पामिटोलिक और ओलिक एसिड में एक एक डबल बॉन्ड होते हैं, बाकी में एक में 2 एक में 3 एक में 4, दैट इज द लिनोलिक लिनोलिनिक एंड एरेक्डोनिक एसिड, दिस इज द फैटी एसिड। इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस नहीं आते, एक तरीके से मैं बोलूं कि कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, कुछ आपके वैक्स होते हैं जहां पे मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स की बात करते हैं, ठीक है, कुछ ग्लाइकोलिपिड्स जैसे कि मोनोसेक्राइड्स होते हैं, सेरेब्रोसाइट्स, ग्लूकोस सेरेब्रोसाइट्स होते हैं। अगर एक सेरेब्रोसाइट्स जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो एक बार डिस्कस कर लेता हूं, अगर पूछा जाएगा स्ट्रक्चरल फॉर्म में तो समटाइम्स पूछा जाता है ग्लाइकोलिपिड और इन सब में बैकबोन के फॉर्म में, कि एक आपका बैकबोन होता है, एक ग्लिसरॉल होता है, ग्लाइकोलिपिड या स्फिंगो में एक बैकबोन होता है, इससे एक आपका फैटी एसिड जुड़ेगा और एक कार्बोहाइड्रेट ग्रुप जुड़ेगा। फैटी एसिड जो जुड़ता है स्फिंगोसिन में वो अमाइड बॉन्ड से जुड़ता है, लेकिन यहाँ पे दो फैटी एसिड ग्लिसरॉल से जुड़ते हैं, क्योंकि ग्लिसरॉल का जो स्ट्रक्चर होता है वो 3OH होते हैं, लेकिन सीरामाइड में जो स्ट्रक्चर होते हैं वो एक NH2 और एक OH होता है। NH2 से फैटी एसिड जुड़ता है और OH से कार्बोहाइड्रेट जुड़ता है। सो इसी तरीके से सीरामाइड क्या बोला जाता है? सीरामाइड बोला जाता है पर्टिकुलर, ये आपका स्फिंगोमाइलिन का बैकबोन, और उससे जब फैटी एसिड जुड़ता है तो उसको बोलते हैं सीरामाइड। उसके बाद उससे मोनोसेक्राइड है या डाइसेक्राइड जुड़ा है उसके बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, या ओलिगोसेक्राइड है, मोनोसेक्राइड होता है तो उसको बोलते हैं सेरेब्रोसाइड। अगर ग्लूकोज एज अ मोनोसेक्राइड है तो ग्लूकोज सेरेब्रोसाइड, अगर ओलिगोसेक्राइड है जैसा सियालिक एसिड है तो गैंग्लियोसाइड बोलते हैं, या अगर विदाउट सियालिक एसिड है तो उसको बोलते हैं ग्लोबोसाइड। ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। उसके बाद फॉस्फोलिपिड में इसी तरीके से होता है, जहां पे एल्कोहल वहां जुड़ता था यहाँ पे फॉस्फेट जुड़ता है, फिर एल्कोहल जुड़ता है, जहां पे कार्बोहाइड्रेट जुड़ रहा था ग्लाइकोलिपिड में, ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट लिपिड उससे जुड़ रहा था, फॉस्फो का मतलब फॉस्फेट ग्रुप फिर लिपिड, तो ये लिपिड का बैकबोन है, ये फॉस्फेट ग्रुप है उसे एल्कोहल जुड़ता था, और स्फिंगो में वही लिपिड का बैकबोन एक स्फिंगोमाइलिन का बैक, और ये फॉस्फेट ग्रुप है और ये कुछ एल्कोहल्स हैं। एल्कोहल के बेसिस पे अलग अलग ग्रुप का नाम होता है, बेसिकली कुछ स्पेसिफिक नाम, जैसे कि अगर मैं डिस्कस करूं यहाँ पे व्हाट आर दोज स्पेसिफिक नाम की बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट लेसिथिन सिफेलिन एंड कार्डियोलिपिन, ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन प्रोटीन लिपिड्स होते हैं, कोलीन फॉस्फेटिडाइल कोलीन जिसको बोलते हैं लेसिथिन, यहाँ पे जो फॉस्फोलिपिड होता है फॉस्फोटिडाइल कोलीन, अगर फॉस्फोटिडाइल एथेनॉल अमीन बोलते हैं तो इसको बोला जाता है सिफेलिन जिसपे चार्ज 0 होते हैं, और एक होता है डाई फॉस्फोटिडाइल ग्लिसरॉल जिसमें दो फॉस्फेट ग्रुप फॉस्फोटिडाइल ग्लिसरॉल जुड़ते हैं, तो वो होते हैं कार्डियोलिपिन जो कि -2 चार्ज कैरी करता है।
कुछ फैटी एसिड के फॉर्म्स थे, कुछ एस्टेरॉल्स होते हैं, कुछ एकोसोनॉइड्स होते हैं, ठीक है। फिर सीएसआर नेट क्रैक करने का फॉर्मूला है कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझना। बीइंग इन ऑल इंडिया रैंक होल्डर, मैं वीरेंद्र सिंह बनाऊंगा आपके सीएसआर नेट प्रिपरेशन को आसान। डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड यूज द कोड वीरेन अपनी प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ पाने के लिए।